वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेक, छुट्टी, दिवाली ओवर, व्लॉगिंग टाइम स्टार्ट। वैसे अभी एकादशी है, दिवाली ओवर नहीं हुई है। हाँ मैडम, बोलिए 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 बोलिए। और आप सबकी दिवाली कैसी रही मुझे बताना, जरूर से बताना। मेरी तो अच्छी रही, मैं आपको लाइटिंग दिखाती हूँ अभी थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड आए अभी और बताऊँ, मैंने थोड़ा सा अपना किचन भी रेनोवेट किया है, वो आपको मैं दिखाऊंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो इडली का सांचा था। हाँ हाँ मैडम, आ रही हूँ। तो वो नीचे से फट गया, उसका सारा पानी जो है वो बह गया, तो फिर इसलिए मैंने नया सांचा लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने नया सांचा खरीदा इडली का, इडली बनाने जा रही। आ गई, हेलो बोलो। अच्छे हस्बैंड की तरह देखो, आज सब्जी लेके आए, कभी लेके नहीं आते, पता नहीं क्यों आज लेके आए। क्यों लेके आए? सिजलर बनाओ ना, हम सिजलर खाएंगे, देखने मिलेगा क्या? बताओ बताओ, हमें वो चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसकी प्रिपरेशन। हाँ मैडम, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे तो मैंने इनमें आधा किलो तेल लगा लिया ताकि झड़े ना, कम तो हुए हैं। महाभृंगराज का तेल है पर अच्छे हो गए हैं। ये लिया इडली का, इसमें कढ़ाई है, ये दो बड़े वाले इडली के सेट है, और मैं आलसी मनुष्य हूँ, मिक्स वाली इडली बनती है। पर मिक्स में भी सिर्फ आप इसको यूज करके देखना, ये बेस्ट मिक्स लगता है मेरे को, इसमें काफी फ्लफी बनती है। इसके दो सेट हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है। फिर कहाँ रख दिया मैंने, वो रख दिया ऊपर रख दिया मैंने, इसमें इस वाले में भी क्या वो बनाने का है, ढोकला बनाने का है इसमें मैंने रखा है, और मोमोज बनाने का एक सेट है इसमें। यू मैं पी रही हूँ ग्लूकोज, थोड़ी सी घबराहट लग रही थी इसलिए मैंने सोचा ग्लूकोज पी लेती हूँ। और बच्चे क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ। छोटा बेबी क्या कर रही है, छोटी बेबी। और ये बड़ा बेबी जो अभी डांट खा के अभी पढ़ने बैठा है, अदरवाइज बोल बोल के थक गई पर पढ़ने नहीं बैठा गधेड़ा। ये हमारे घर के मास्टर शेफ हैं। क्या बना रहे हो आज? हटू हटू, ये क्या बना रहे हो, क्या डालोगे? पालक कट गई, और क्या काट डालोगे बताओ? अब इसमें सरसों जाएगी, और सरसों के बाद थोड़ी सी मेथी, और सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताओ। सीक्रेट इंग्रेडिएंट अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा। अभी रिवील नहीं करोगे आप? नहीं। इधर देख के तो बोलो, बोलो ना। देखो हमारे मास्टर साहब को मैं जितनी जान बचाती खाने से, ऑफिस से आने के बाद उनको उतना ही मजा आता कुकिंग करने में। अब थकते नहीं कुकिंग करने में? बुरा नहीं लगता आपको कुकिंग करना? अच्छा, आपको ऐसा भी कभी नहीं लगता कि बीवी कितनी आलसी है, कुछ अच्छा बनाती नहीं है? नहीं, मेरे स्वीटहार्ट हस्बैंड है। ये क्या है? अच्छा सरसों, देखो पूरा कपड़ा गीला कर लिया है, लेकिन बनाएंगे जरूर, बदल लीजिए, सर्दी हो जाएगी। बन नहीं बंद करूंगी, क्यों बंद करूं? इतने अच्छे से काट रहे थे वो, कितने स्वीटली सब काम होता है, एक एक जो साइज और सब चीज एग्जैक्टली सब कुछ होता है पता। कभी ये रसगुल्ला बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, इतना परफेक्टली धीरे धीरे उसको होता है ना जी। अब देखना आप, मेरे जैसे आलसी आदमी है तो दो मिनट में काट पीट के इसको रख दे। मैं काटूं? और भी मना कर देंगे क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आएगा मेरा काटना। मैं काटूं? बहुत बारीक बारीक काटना है, जितना बारीक आप काट सकते हैं। देखा, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा काटना उनको पसंद ही नहीं आएगा। जब बिरयानी बनाते हैं तो मेरी काटी सब्जी उनको पसंद नहीं आती है ना जी। और चाय जो मैं बनाती हूँ वो अच्छी है। मैं इतनी बक बक करके आपको पका रही हूँ क्या? अब सरसों कट गई, अब क्या काटेंगे हम लोग? मेथी। हाँ मेथी दाना। इनका रेशियो क्या है? जितनी सरसों है उसकी आधी पालक, और पालक की आधी फिर मेथी। मेथी, वाह। मतलब जैसे पर रेशियो कितनी सरसों कैसे समझ में आएगा?
सरसों अभी जैसे कटी हुई है रखी है, अभी इसको नाप के मेजर कट करेंगे कब से? उतते ही अभी आप कब से मेजर करेंगे इसको? हे भगवान, थक्कू आ गया तो मैं काट दूं? कपड़े बदल लो प्लीज। ले आऊं मैं? ये तैयार हो गई तीनों सब्जी कट के, एक पालक और दो सरसों। एक पालक दो सरसों में मेथी कहाँ गई? मेथी भी निकालेंगे, वो जरा सी लगेगी बस। अच्छा, और जरा सी इसमें मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो। मेरे पास मूली तो नहीं है। मूली लाना भी नहीं, खांसी होती है। पानी के साथ खाते हो आप मूली? ये क्या है? अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है, और ये उबलता हुआ पानी है एक कप। इसमें आप दिए जाएंगे मसाले। वाह, अब ये थोड़ी देर इनको उबलने दें अच्छे से, ठीक है, फ्लेवर एनहांस हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, जलेगा नहीं इसलिए? नहीं, फ्लेवर बनाने के लिए, पानी को फ्लेवर बनाने के लिए। हाँ, उसके बाद अब ये पर हरी सब्जियां तो पूरी पानी छोड़ती हैं। नहीं नहीं, उसके लिए जरूरी है। अच्छा, इसके ऑयल में नहीं पकता? मतलब ऑयल सबसे लास्ट में जाएगा जब सब पक जाएंगे तब। वाह, हर स्टेप हर उसकी तरह, क्या हर रेसिपी की तरह एक हटके रेसिपी। ये क्या गया? अब धीरे धीरे जो सरसों बारीक बारीक काट रखी थी वो सब जाएगी। ये भी सरसों? जूजू बैठा क्या? नहीं, ये एक पालक, ये इसी रेशियो में लाना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। यार पर कैसे समझ में आएगा? तो बाउल्स है, ये तीन बाउल्स थे, इसी रेशियो में करना है। जो भी बनाने उसके दो बाउल बनाइए और उसकी एक बाउल पालक। अच्छा, मतलब कोई भी बाउल फिक्स कर लो जिसमें दो बाउल सरसों और एक बाउल पालक, ऐसा ना? समझ गई मैं पहली बार आपकी बात एक बार में। और मेथी इतनी इससे ज्यादा नहीं, अगर मिलानी है तो मिलाइए, नहीं मिलानी है तो भी चलेगी। तो मेथी कसा नहीं इतनी करेगी? नहीं नहीं, थोड़ा सा वो फ्लेवर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। अब इसको घोटना है, घोट घोट के हम लोग बनाएंगे। भाट इज घोटना यार, मतलब इसको बारीक बारीक से मिक्सी में पीसने की जगह इसी में पीस देंगे, ऐसा टाइप का समझ लीजिए। मिक्सी में क्यों नहीं पीस रहे? मिक्सी में पीसने से टेस्ट चला जाता है। हाय मेरे मालिक, कितना टेस्ट लाओगे, थक जाओगे। नहीं, जरूरी है टेस्ट के लिए। तुम इंजीनियर तो कहीं से लगते नहीं, एक मास्टर से लगते मुझे हमेशा। मैं एक रेस्टोरेंट प्लान कर सकते हैं, कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया है। बैंक बैलेंस कौन देगा? बैड आइडिया। बट सीरियसली, अगर आपने खोला ना तो कोई नौकरी कर पाएगा? लेकिन जितना आप नमक तेल हल्दी पकड़ते सीरियसली दोस्तों बताओ, इनको ये भी पता होता है कि हल्दी ज्यादा है कि धनिया पाउडर ज्यादा। मुझे तो कुछ भी खिला दो, मुझे ए, जल जाओगे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चलता, बस ये पता है टेस्ट अच्छा है। और इसको पकाने के लिए ढकना जरा भी नहीं, बिना ढके ही पकना है। तो यहाँ खड़े खड़े ही पकाना है? हाँ, ऐसे खड़े खड़े आपको एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं नहीं करूँगी इतनी मेहनत। व्हाट हैपेंड? अरे ऐसे नहीं रखते, ये इनकी कुरियर सर्विस है और ये मेरी इडली का खाली डब्बा है जिसको ये अपने दादा के लिए गिफ्ट पैक करके ले जा रहे हैं। लाइक दिस। चलो कुरियर वाले भैया बैठ जाओ अपनी गड्डी में। कहाँ जा रही है अब कुरियर सर्विस? कुरियर सर्विस कहाँ चलो? चले क्या सोने? और ये हमारे मास्टर्स है। अब पानी क्यों गर्म हो रहा है? बीच बीच में इसमें गर्म पानी ऐड करना है जब इसका पानी सूखने लगेगा। बस एक बात बताऊँ, इतनी मेहनत आप ही कर सकते हैं, मैं तो आलसी मनुष्य हूँ, मैं सीधे पीस लेती हूँ। नहीं, पीसना नहीं है, पीसने से आपको फ्लेवर कम हो जाएगा। अरे मालिक, कितना गोट गोट के थक नहीं जाओगे? इससे फ्लेवर आएगा।
वगैरह है, इसका पानी सूख गया है। इसका पानी जब सूख जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे करके गरम पानी और ऐड कर दिया करेंगे। अगर आपका ज्यादा एक्सरसाइज करने का मन हो, अदरवाइज चुपचाप पीस पास के बना लो, कौन लोड लिए। देखिए इसको हमने घोट घोट के ऐसा ऐसा पूरा बना दिया है। अब इसको लहसुन का तड़का लगाएंगे, बस लास्ट स्टेज में। बस बहुत नींद आ रही है, बच्चे सब सो गए, मैं ही बची। वीडियो क्या बचे हुए थे एडिट करने को, कैसे व्लॉग बनाए डाल नहीं पाई, कुछ काम निकल गया। बट सरसों का साग बहुत ही अमी था, बहुत इन्जॉय किया मक्के की रोटी के साथ। चलिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर। और अगर आप लोगों को भी अच्छा दिख रहा हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, तो हम फिर एक डिटेल रेसिपी शेयर करेंगे। गुड नाइट, स्टे सेफ।